ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 31 मई 2019 शुक्रवार का दिन है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस दिन प्रदोष महापर्व रहेगा। प्रदोष के दिन भगवान शंकर जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और प्रदोष की कथा भी सुनी जाती है। अश्विनी नामक नक्षत्र एवं मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही या जौ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृषभ राशि में, चंद्रमा जो कि मेष राशि में, मंगल मिथुन राशि में, बुध वृषभ राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार एवं इस दिन सौभाग्य नामक योग निर्मित हो रहा है और सौभाग्य योग के बनने से ये 6 राशि वालों का भाग्य बदलने वाला है। ये 6 राशियां इस प्रकार है: वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन। इन 6 राशि वालों का भाग्य बदल जाएगा। कार्य क्षेत्र में या पारिवारिक रूप से इनको उन्नति और प्रगति प्राप्त हो सकती है। घर परिवार में स्थायी संपत्ति का आगमन हो सकता है या फिर नई चीज खरीदने का इनका मूड भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर के इन 6 राशि वालों के लिए दिन सबसे अति उत्तम व्यतीत होगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।